भूमि संरक्षण अधिकारी दिनेश कुमार पर दर्ज कराया मुकदमा। महोबा के भूमि संरक्षण अधिकारी हैं दिनेश कुमार। विभागीय पैसे के गबन और दुरुपयोग का मामला है। फिरोजाबाद में तैनाती के दौरान किया था गबन। विकास योजना के सरकारी धन को निजी खाते में भेजा। 56.55 लाख रुपए गबन का मामला है ये। इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद समेत कई जिलों का अतिरिक्त चार्ज। विकास योजना के सरकारी धन को निजी खाते में भेजा। 56.55 लाख रुपए गबन का मामला। इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद समेत कई जिलों का अतिरिक्त चार्ज। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह कोई बड़ी कार्रवाई, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। भूमि संरक्षण अधिकारी दिनेश कुमार पर दर्ज कराया मुकदमा। विभागीय पैसे के गबन और दुरुपयोग का मामला। छप्पन लाख पचपन हजार रुपए निजी खाते में ट्रांसफर किए गए। इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इन तमाम जगह का चार्ज। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की बड़ी कार्रवाई, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रही। भूमि संरक्षण अधिकारी दिनेश कुमार पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया। महोबा के भूमि संरक्षण अधिकारी हैं दिनेश कुमार। खबर इस वक्त आपको बता रहे राजधानी लखनऊ से। हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी इस खबर पर जुड़ गए। प्रदीप जी, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है, क्या किस तरह से देखें? बिल्कुल देखिए आरिश, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात लगातार कर रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महेंद्र सिंह ने, जो की जल शक्ति मंत्री है, बड़ी कार्रवाई की है। और महोबा के भूमि संरक्षण अधिकारी हैं दिनेश कुमार यादव, उन पर गबन के आरोप थे और इसीलिए उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। बड़ी बात देखने की यह है कि 56.55 लाख रुपए का गबन इन्होंने किया था और एक जगह से नहीं, कई जगह से गबन किया था और इसको लेकर के उन पर कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि फिरोजाबाद में तैनाती के दौरान, जब वो फिरोजाबाद में तैनात थे उस समय ये गबन उन्होंने किया था। और इसके अलावा इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद समेत कई जिलों का अतिरिक्त चार्ज भी उनके पास में था। तो बड़े अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, काफी इनके पास शक्तियां थी और उन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जो जनता का धन है उस पर भ्रष्टाचार किया, 56 लाख रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार किया। और यही कारण है कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दी। और सबसे बड़ी बात ये भी कि उनसे रिकवरी का मामला भी चल रहा है कि कैसे रिकवरी कराई जाए, क्योंकि अभी तक देखा ये जा रहा था कि गबन के आरोप लगते हैं लेकिन जो पैसा चला जाता है उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है। पहली ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। खबर लखनऊ से इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इस बीच लखनऊ से, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाइन सिटी का OSD उत्तम अग्रवाल गिरफ्तार किया गया है। गोमती नगर थाना इलाके से यह गिरफ्तारी की गई है। अवैध तरीके से ठगी का आरोप लगा है। Yeah.
तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शाइन सिटी का ओएसडी गिरफ्तार, जिसका नाम उत्तम अग्रवाल है। गोमती नगर थाना इलाके से ये गिरफ्तारी की गई है। अवैध तरीके से ठगी का आरोप लगा है उत्तम अग्रवाल। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, शाइन सिटी का ओएसडी उत्तम अग्रवाल गिरफ्तार। गोमती नगर थाना इलाके से ये गिरफ्तारी की गई है। अवैध तरीके से ठगी का आरोप है। तो ये उत्तमा अग्रवाल हैं, जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, शाइन सिटी की ये ओएसडी हैं, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। शाइन सिटी में ओएसडी के पद पर उत्तमा अग्रवाल थी और बड़े पैमाने पर ठगी का खेल चल रहा था। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, शाइन सिटी का ओएसडी उत्तमा अग्रवाल को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना इलाके से गिरफ्तारी की गई है। खबर इस वक्त राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, ठगी के आरोप उत्तमा अग्रवाल पे लग रहे थे। प्लॉट के नाम पर बड़ी ठगी का आरोप, प्लॉट के नाम पर कई लोगों को शिकार भी बनाया, पैसे की ठगी की गई और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई उत्तमा अग्रवाल। खबर इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ से इस वक्त की खबर। के न्यूज की खबर का बड़ा असर, होमगार्ड वेतन घोटाले पर एफआईआर दर्ज, नोएडा में दर्ज हुई एफआईआर। के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। नोएडा में दर्ज हुई एफआईआर, के न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई और उसका असर हुआ है। होमगार्ड वेतन घोटाले पर एफआईआर दर्ज। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे।